स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सिंटेक्स के विषय में बात करने वाले हैं। सिंटेक्स को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सिंटेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में इसे क्वेश्चन आता है। सिंटेक्स हो गया, चाहे टेंस हो गया, चाहे वॉइस नाइसन, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही चल रहा है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इसी कारण से। तो चलिए सिंटेक्स के विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। सिंटेक्स कुछ नहीं होता, बस हम लोग केवल हेल्पिंग वर्ब का उपयोग कैसे करते हैं, बस उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। हेल्पिंग वर्ब आप लोग जानते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम ही होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने में केवल हेल्प करना। अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। आप लोग जानते भी है पहले से, लेकिन पहले देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है कुछ एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, इसको आपको माइंड में रखना है। देखिए हेल्पिंग वर्ब जो आपका हो गया इज, आर, एम, वाज, वेयर, फिर आपका हो गया शैल, विल, कैन, कुड, फिर आपका हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इटीसी, ये सभी आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसको आपको माइंड में रखना। और उसके अलावा मॉडल वर्ब भी रहता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सब होता है। इसके विषय हम लोग चर्चा किए हुए थे, वॉइस में चर्चा किए हुए थे। चलिए इसको आपको माइंड में रखना। आप जानते हैं कि इसमें सिंगुलर भी है और प्लुरल दोनों हेल्पिंग वर्ब है। और देखिए कुछ हेल्पिंग वर्ब कुछ होता है आपको, जैसे कि यह माइंड में रखना है कि किसी भी वर्ब में, कोई भी वर्ब में यदि हम एस या ईएस लगा देते हैं, एस या ईएस, कोई भी वर्ब में यदि हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब होता है कि आपको जो होता है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और सिंगुलर वर्ब बनाते कैसे हैं, कोई भी वर्ब में एस ईएस जोड़ देते हैं तो आपका सिंगुलर हो जाता है। और यदि कोई भी वर्ब में, और ये जो वर्ब होता है जिसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, एस या ईएस का प्रयोग आपको नहीं किया जाता है, तो इस ये जो होता है आपका प्लुरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ ये लगता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब में एस या ईएस को ऐड नहीं किया गया, लेकिन इसमें जो आपका एस ईएस ऐड किया गया है तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। नहीं समझे? देखिए एक बार और समझाते हैं। ये तो बात समझ गए, एक एग्जाम्पल समझते हैं, आप लोग तुरंत समझ जाइएगा। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग देखते हैं, सी गोज टू मार्केट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप देखिए सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके आने वाले वर्ब के साथ क्या लगा, ईएस का प्रयोग लगा, क्योंकि गो का, गो में ईएस ही लगता है, इसलिए यहां ईएस लगा है। तो यहां आपका हो गया गोज, उसी प्रकार यहां रहता है आपका, इसी प्रकार आपका यहां हम कह देते हैं जैसे कि दे गो टू मार्केट, ये आपका हो गया दे गो टू मार्केट। देखिए तो दे यहां हो गया, दे यहां प्लुरल सब्जेक्ट है, जैसे प्लुरल सब्जेक्ट आएगा तो यहां एस ये सबको नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगता है, इसलिए प्लुरल वर्ब में हम एस ये कुछ ऐड करते ही नहीं है। इस बात को आपको माइंड रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, जहां भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिल जाए वहां उसके वर्ब में एस ये लगना ही चाहिए, और कहीं भी आपको प्लुरल सब्जेक्ट मिल गया उसके वर्ब में एस या ईएस नहीं लगना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में ये समझे, ये सब क्वेश्चन आता है और आपको एरर खोजना रहेगा इसमें से, यहाँ चार पार्ट ए बी सी डी से चार पार्ट मार देता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रख लीजिए। ये छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में जानते हैं, एग्जाम में आएगा तो पता ही नहीं चलता है कि एरर कहां दिया गया, लगता है कि सब सही है, लेकिन एग्जाम्पल में यहाँ यही दिक्कत होता है। चलिए अब सिंटेक्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा क्यों हुई है, चलिए अब थोड़ा सिंटेक्स को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं थोड़ा आगे। चलिए यह बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, या रूल आपका फर्स्ट हो गया या स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब रूल नंबर टू को देखते हैं, रूल नंबर जो आपका टू हो गया, रूल नंबर टू क्या थोड़ा देखते हैं। देखिए रूल नंबर टू जो होता है ना एंड से रिलेटेड है, एंड आप जानते हैं ना, एंड के बारे में चर्चा की हो जानते भी होंगे, क्योंकि एंड का मतलब और होता है। देखिए तो ये क्या यहाँ काम है इसका देखते हैं। देखिए कोई भी दो सब्जेक्ट को जो हम एंड से जोड़ते हैं तो वह क्या हो जाता है, प्लुरल होता है ना। कोई भी दो सब्जेक्ट को, यानी कि कहने का मतलब होता है रूल नंबर टू आपका क्या कर रहा है, रूल नंबर टू आपका कर रहा है कोई दो सब्जेक्ट को जब एंड से जोड़ते हैं, कोई दो सब्जेक्ट यानी कहने के बाद दो सब्जेक्ट को
एंड से जोड़ देंगे, एंड से जोड़ देंगे, एंड से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा, प्लुरल हो जाता है ना, प्लुरल हो जाता। अब नहीं समझे, देखिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे बहुत फेमस एग्जांपल है, राम एंड श्याम इज फ्रेंड, यही ना, क्या ये सही है जो मैंने लिखा है, सही है? नहीं, सही नहीं है। गलती कहां है? गलती आपका यहां है, क्योंकि यहां इज लगाया गया। चूंकि राम एक सब्जेक्ट है, श्याम एक सब्जेक्ट है, दोनों को एंड से जोड़ा गया है, तो जब भी दिखा गया कि दो सब्जेक्ट जब एंड से जोड़ते हैं तो होता है प्लुरल, न कि सिंगुलर। तो इसलिए यहां किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां करेंगे हम लोग आर का प्रयोग। ये बात समझ गए, इसको नोट डाउन करना। जब भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ देंगे तो आपका प्लुरल हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहां समझ गए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अब देखते हैं क्या एक्सेप्शन है। जब भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए लेकिन उनका मकसद केवल एक ही इंस्टीट्यूट से हो, एक ही पर्सन से हो, तो वहां आपको इज का प्रयोग करना है, वो सिंगुलर होता है। जब भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए लेकिन दोनों सब्जेक्ट का संबंध केवल एक व्यक्ति, एक इंस्टीट्यूट से हो या कोई एक कोई खास व्यक्ति से हो, तो वहां आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, न कि वहां प्लुरल प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड द टीचर एंड द टीचर ऑफ दिस कॉलेज हैव प्रेजेंट। देखिए हो गया ना, द प्रिंसिपल एंड द टीचर ऑफ दिस कॉलेज हैव प्रेजेंट, कहने का मतलब क्या है, द टीचर एंड द प्रिंसिपल। देखिए कहने का मतलब यह है कि द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यहां एंड आपका कंजक्शन का काम, यहां आपका जोड़ रहा है ना दोनों सब्जेक्ट को, तो जब ये दो सब्जेक्ट को ऐड कर रहा है लेकिन इसका संबंध केवल एक ही कॉलेज से, ऑफ दिस कॉलेज, यानी कि एक ही कॉलेज में प्रिंसिपल भी है टीचर भी है, यानी कि दोनों ना रह रहा है, इसी कारण से यहां हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ये बात यहां आपको ध्यान रखना है। ये केस सब जानता है लेकिन इस केस पर थोड़ा ध्यान देना है आपको, कि जब भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ेंगे तो एंड से जैसे जोड़ना आपको देख लीजिएगा कि उसका संबंध अलग अलग व्यक्ति से है कि एक ही व्यक्ति से है, ये आपको देखना है सही से, और देखने के बाद डिसीजन लीजिएगा कि यहां हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सिंगुलर आएगा कि प्लुरल आएगा। चलिए इसको समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एंड से रिलेटेड एक और चीज पूछा जाता है, एंड से रिलेटेड जो है आपका एक और चीज पूछा जाता है, वो क्या है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको रिमेंबर कर जाएगा, क्योंकि ये आपको हमेशा एग्जाम में पूछता है। जैसे देखिएगा, कह दिया आपको ब्रेड एंड बटर, ये सब एक्सेप्शन वाला केस होता है, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरिज हैमर एंड सिकल स्लो एंड स्टडी एंड फिश एंड राइस, फिश एंड राइस। ये कुछ ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जिनको एंड से जुड़ा जाता है तो ये प्लुरल नहीं होते हैं, ये बल्कि सिंगुलर होते हैं। गलतियां बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं कि ये देखेंगे कि एंड से जुड़ा गया तो डायरेक्ट यहां प्लुरल वर्ब लगा करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वो काम नहीं करना। जब भी आपको रहेगा तो यहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि ये सभी जो है ना एक ही शब्द, जैसे ब्रेड एंड बटर, इनका जब भी हम नाम लेते हैं तो एक ही साथ लेते हैं, सुले एंड स्टडी हो गया, आपका फिश एंड राइस हो गया, इसका जब भी हम नाम लेंगे तो दोनों साथ आता है, कहने में अलग अलग लेकिन इसका सेंस जो होता है एक ही होता है। इसलिए यहां जब भी लगाएंगे तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ना कि प्लुरल वर्ब का यूज करना है। जैसे कि आपका देख लीजिए, जैसे कि फिश एंड राइस आर माई फेवरेट डिश, फेवरेट डिश। देखिए जैसे कि एग्जांपल आपका कह दिया, अब देखिए फिश एंड राइस आया ना,
अब यहां गलती क्या करते हैं कि फिश एंड राइस दिया गया या आर का प्रयोग लगाते, बिल्कुल सही है नहीं, जब देखना है कि एंड से जोड़ा गया है तो ये नहीं है कि जैसे होगा वैसे आप टिक करके आगे बढ़ जाइएगा, देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि फिश एंड राइस दोनों देखने में अलग अलग है लेकिन इसका सेंस करने का मतलब एक ही होता है, इसलिए यहाँ आर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। वैसे आपको यहाँ है ना जिसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही उपयोग करते हैं, ये आपको माइंड में रखना। देखिए एंड से तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है तो वहाँ गलती नहीं करना, वहाँ सही से बना करके आगे बढ़ना। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब अपने नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट रूल आपका कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि जब भी दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, एलोंग विथ, रेदर देन, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, ईटीसी जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है, इनका काम है जोड़ना, यानी कि कंजक्शन का काम करें, यहाँ दो सब्जेक्ट को जोड़ दे रहे हैं, समझ गए ना। तो ये जो इसको विषय में फिर हम लोग कंजक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब भी एज वेल एज, एलोंग विथ, रेदर देन, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, इनको दो सब्जेक्ट को जब ये जोड़ रहे हैं तो जो हमारा वर्ब होता है ना हेल्पिंग वर्ब, वो डिपेंड करता है फर्स्ट सब्जेक्ट पर। किस पर डिपेंड करता है? फर्स्ट सब्जेक्ट पर। इसको आपको माइंड रखना है क्योंकि क्वेश्चन में आता ना तो पते नहीं चलता है कि कैसे ऐड हो रहा, लगाएंगे क्या, समझ ना। विशेषकर तो एज वेल एज और एलोंग विथ, विशेषकर ये दोनों फंसा था, इसी कारण से पहले लिखते हैं, आपको ये माइंड में रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे राम, जैसे एग्जाम्पल समझेंगे राम एज वेल एज, एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कॉमिंग, आर कॉमिंग, ये आपका कह दिया राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कॉमिंग, क्या ये सही है? बोलिए, सबसे पहले आप जब भी पढ़िएगा तो राम एक सब्जेक्ट है, एज वेल एज कंजक्शन आ गया, देखिए एज वेल एज यहाँ है ना, उसके बाद हिज पेरेंट सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट कंजक्शन सब्जेक्ट है ना, एज वेल एज आपको, उसके बाद कहीं यहाँ आर लगाया है। तो अभी आपको बताया है कि जब भी एज वेल एज, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, रेदर देन, लाइक, अनलाइक या ईटीसी जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी कंजक्शन है, जब ये दो सब्जेक्ट को जुड़ रहा है तो हमारा जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा यानी कि जो वर्ब रहेगा वो डिपेंड करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट पर। किस पर डिपेंड करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट पर। तो इस कारण से जो हेल्पिंग वर्ब है ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा इस पर, राम पर, क्योंकि ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, राम जो है फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसलिए राम के अनुसार यहाँ आर नहीं लगेगा, राम के अनुसार यहाँ क्या लगेगा? इज लगेगा। इस बात को दिमाग में रखना, माइंड में इसको हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि आता है तो व्यक्ति गलती करता है और जानबे करते कोई भी एग्जाम निकालने के लिए एक एक नंबर बहुत ही मायने रखता है। और इंग्लिश आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट होने वाला है क्योंकि इंग्लिश आप लोग सही से पढ़ते हैं तो वहाँ नंबर अच्छा से गेन करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होते हैं बिहार का जिसको इंग्लिश थोड़ा वीक होता है, और आप लोगों को ये अच्छा आएगा तो आप ज़्यादा उसमें नंबर गेन कर सकते, इससे आपको बेटर से बेटर कॉलेज मिल जाएगा, इसलिए इस पर थोड़ा फोकस करिए आप लोग। चलिए इसको समझ गए, चलिए अब आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल है, सभी इंपॉर्टेंट रूल आपको बताया जा रहा है। गर्मी कुछ ज्यादा ही किया हुआ है, चलिए देखते हैं। चलिए एक और आपको केस दिखाते हैं, जैसे कि वो भी इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर आपका कहे तो रूल नंबर आपका 4 हो जाएगा। रूल नंबर 4 कहता है कि जब भी आइदर या और, आइदर या और, या कहे तो आपको नाइदर या नोर, नाइदर या नोर, ये सभी कंजक्शन काम करता है, जोड़ने का काम करता है, नाइदर या नोर आपका हो गया, फिर आपका हो गया नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, या फिर कहे तो और या नोर, जब भी ऐसा आपको मिल जाए, आइदर या और मिल जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो मिल जाए, या आपको कहे तो नाइदर या नॉर या नॉर मिल जाए, ये सब आपको क्वेश्चन में कंजक्शन के तौर पर दो सब्जेक्ट को जब भी जोड़े तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको ये मिल जाए ना तो कुछ नहीं करेगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगा ना ये आपका सेकेंड सब्जेक्ट अनुसार होगा, इसमें आपका जो होगा हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार होगा? सेकेंड सब्जेक्ट अनुसार होगा, सेकेंड सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, सेकेंड सब्जेक्ट पर, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। उसमें उल्टा केस था, इसमें देखिए उसके ठीक उल्टा है कि नहीं, ये क्वेश्चन हुआ दिक्कत करता है, इसी कारण से इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं करना। आइदर या और, नाइदर या नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और या फिर नॉर, जब भी ये केस आता है तो हमारा जो होगा हेल्पिंग वर्ब
किस पर डिपेंड करेगा? सेकेंड सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया आइदर राम और हिज और हिज फ्रेंड्स इज कॉम हैज कॉम। ये आपका हो गया क्वेश्चन, ये आपका हो गया आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैज कॉम। अब देखिए क्या सही है, ये आप देख लें कि आइदर है, आइदर के बाद ठीक बात देखिए और आया ना, आइदर के बाद ठीक और आया, राम सब्जेक्ट है, हिज पेरेंट्स सब्जेक्ट है, ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है। तो जब भी ऐसा केस आता है, जब आइदर या और, नाइदर या नो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आई और या नॉट, ये सभी रहता है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सेकंड सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? इस पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट पर नहीं, ये डिपेंड करेगा हिज पेरेंट्स पर। तो हिज पेरेंट्स जो है आपका प्लुरल है ना कि सिंगुलर है, इसलिए प्लुरल है तो इसके अनुसार काम करेंगे, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हैव हो जाएगा, क्या होगा, हैव हो जाएगा, समझ गए इस बात को। चलिए अब आगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। देखिए रूल नंबर फाइव, रूल नंबर जो आपका फाइव, रूल नंबर फाइव कुछ नहीं करना, जैसे कि ईच, एवरीवन, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीबॉडी, नोबॉडी, नोबॉडी आपका हो गया, या फिर कहे तो नॉन, या आपको कह दिए हम नॉन आपका हो गया, चाहे इट इज, जैसे कोई भी चीज आता है ना, इसके अलावा आपको कोई भी आपको मिल जाएगा, तो ये सब हमेशा सिंगुलर रहता है। ईच, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीबॉडी, नोबॉडी, नॉन, इटीसी, यानी किसके जैसे अनेक आपको मिल जाए, तो वहां क्या करना है, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का उपयोग करना, हमेशा सिंगुलर वर्ब का उपयोग करना है, क्योंकि ये सभी सिंगुलर के तौर पर आता है, इसलिए वहां हमेशा सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे, न कि वहां प्लुरल वर्ब का उपयोग हम लोग करेंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल आपको कह दिया, समवन Has someone have stolen my pen? Stolen my pen. बहुत फेमस एग्जाम्पल है, वॉइस में ऐसा क्वेश्चन आता है, someone have stolen my pen. देखिए someone आ गया तो someone singular है, singular के साथ हमेशा singular helping verb लगता है, न कि plural लगता है, इसलिए have का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, has का प्रयोग करेंगे, यानी कि someone has stolen my pen होगा। चलिए आज के लिए पांच रूल इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आने वाले रूल के लिए, लेकिन ये पांचों वीडियो, पांचों रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसी का इसको पहले रखा गया है, इसके बाद हम लोग कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आने वाले रूल के लिए, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको अच्छा से आप लोग रिविजन कर लीजिएगा, और हो सके तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, और नहीं तो हम लोग टेलीग्राम पर इसका बना करके पीडीएफ डलवा देंगे। चलिए ठीक है।